इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। हमारे एक वीडियो में आपने सुना होगा, उसमें वो वीडियो कच्छ का है, भुज का है, जहां पर जब स्पेशल नंबर की नीलामी होती है, जो कि गाड़ियों के स्पेशल नंबर होते हैं, जब उनकी नीलामी होती है तो उसके लिए एक तय राशि जो सबसे ज़्यादा नीलामी पे छूटती है वो देनी पड़ती है, ख़ास खास नंबरों के लिए, हर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। और उसमें क्या हुआ कि एक नीलामी में एक नंबर करीब 19.25 लाख यानी 18 लाख 45 हज़ार रुपए में वो नंबर बिका था। और जब बाद में परिवहन अधिकारियों ने संपर्क किया जिनके नाम पर वो नंबर निकला था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि किसने उनके नाम पर ये सब कर दिया है। खैर, वो बात तो अलग हो गई, लेकिन इससे आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो खास नंबर होते हैं वो नीलामी में बिकते हैं। आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि भाई नीलामी में नंबर किसी भी कीमत पर बिक सकते हैं, तो उसके साथ हम ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्या कोई नंबर है जो सबसे ज्यादा महंगा बिका हो। भाई भारत की तो बात अभी पता नहीं चली है, लेकिन विश्व में एक ऐसा नंबर आ गया है जिसके नंबर की कीमत को बीट करते करते या उसको पीछे छोड़ते छोड़ते शायद एक लंबा वक्त लगे, और जो भी इसको पीछे छोड़े हुए एक जुनूनी शख्स ही कहा जाए। दरअसल दुबई में एक नंबर की नीलामी हुई, गाड़ी के ही एक नंबर की नीलामी हुई, जो नंबर था उस गाड़ी के लिए उसका नंबर था P7। जी हाँ, और P7 की जो नीलामी छूटी है वो छूटी है भारतीय रुपयों की अगर बात करें तो 122 करोड़ रुपए में। जी हाँ, कार का नंबर है 122 करोड़ रुपए में, दुबई में ही ये नंबर बिका है। फोर सीजन्स होटल है वहां पर जहां पर ये नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी, और यहां पर P7 नंबर की कीमत एक के बाद एक बढ़ती ही चली गई और रुकी आकर 122 करोड़ पर। तो इस नंबर प्लेट की कीमत में क्या ना आ जाए, आप सोचिए, कम है भारत की स्थिति में। आप सोचिए तो इस नंबर प्लेट की कीमत में आप क्या नहीं खरीद सकते हैं। इस नंबर प्लेट की कीमत में आप एक आलीशान घर खरीद सकते हैं, एक बढ़िया कोठी खरीद सकते हैं, उसके साथ एक बढ़िया कार खरीद सकते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या इसके साथ 122 करोड़ रुपए में आप खरीद सकते हैं। तो ये नंबर प्लेट अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, और आपको भी पता चल जाएगा कि 122 करोड़ रुपए में जो शख्स केवल नंबर प्लेट के लिए नीलामी को जीतने की कोशिश कर सकता है उसकी कार कितने की होगी और वो कितना आलीशान जिंदगी जीता होगा, कितना लैविश लाइफस्टाइल जीता होगा। फिलहाल ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए था कि ऐसा भी हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।